में बात करने जा रहे कि समान काम समान वेतन को लेकर के 19 सितंबर को सुनवाई होगी। आप सबको जानकारी होगा शिक्षकों के समान काम समान वेतन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख लिस्टेड हो गई है। और आपको बता दें कि 19 सितंबर को कोर्ट नंबर 11 में एक नंबर पर जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की इस केस की सुनवाई करेंगे। मालूम हो कि इस केस की पिछली सुनवाई 6 सितंबर को हुई थी और परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने बताया कि फाइनल सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख रखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। इससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब 19 तारीख को सुनवाई सुनिश्चित होने से बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों में खुशी। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों की जीत की नई इबारत लिखेंगे और इन परिवारों में खुशियां आएगी। साथ ही पटना हाईकोर्ट में जिस तरह जीते हैं उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी जीत मिलेगा। वही दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगातार कोर्ट में दलील दी जा रही है कि नियोजित शिक्षकों को समान वेतन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक क्षमता ऐसे नहीं है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दे सके। वैसे ही बिहार के इन शिक्षकों के वेतन में 20% तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को 70,000 शिक्षक को 26,000 क्यों दिया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि शिक्षकों को 26,000 और वहां के चपरासी को 36,000 वेतन मिल रहा है। फाइनली आप सब देख सकते हैं कि कोर्ट का भी रूप साफ है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को चपरासी से भी वेतन कम दिया जा रहा है। और माना जा सकता है कि बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को पूरा उम्मीद एवं भरोसा है। पटना हाईकोर्ट से जीत मिला, इसी के आधार पर बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिलेगी, इसका पूरा उम्मीद एवं भरोसा है। तो दोस्तों इस अपडेट में